இப்போ ஒன் லட்சம் வரும். இப்ப இனிமே தெரியுமா ஃபைவ் மினிட் கிடைக்கும் சார், இப்போ ஹெட்டிங் கிடைக்கும் சம்ரி ரேட்ஸ். ये पॉइंट वन सर टेन लिखे आपने रख दी हाई है। कैलकुलेशन ऑफ रेट का जरा फॉर्मूला बता दो। अगर सिंपल लेसर है तो प्लस आईडीसी के साथ है, और अगर डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर है तो आईडीसी पर एक्सपेंस आउट होगा। देखा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेसर। ये जो स्टैंडर्ड है आईएफआरएस 16, इसमें रेट निकालना लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा डिस्कस भी होता है। लेसर विल ऑलवेज यूज दिस रेट इन इट्स कैलकुलेशन। मतलब इसका ये है कि अगर कोई आप लेसर को क्वेश्चन कर रहे हैं और रेट की जरूरत पड़े और रेट ना हो तो फिर आप रेट हमेशा लेसर के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, क्या क्या बोला था रिपीट करना है। रेट कैलकुलेट करना लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर क्वेश्चन में डेफिनेटली रेट दिया हुआ इम्प्लिसिट रेट, आप उसे लेसर के लिए यूज करेंगे, और अगर रेट नहीं है और जरूरत है तो फिर आप रेट कैलकुलेट करेंगे। If this rate is known to lessee, अगर यही रेट लेसी को भी पता है तो लेसी भी अपनी वर्किंग्स में यही रेट यूज करेगा। कौन सा रेट? इम्प्लिसिट रेट। असल में स्टैंडर्ड जो है लेसी को ये ऑप्शन दे रहा है कि वो रेट कैलकुलेट ना करे, बस किससे पूछ के कर ले, लेसर का जो रेट है वही लेसी भी इस्तेमाल कर ले। लेकिन एक पॉइंट ही आएगा, इफ इम्प्लिसिट रेट इज नॉट नोन टू लेसी। अब ये क्वेश्चन के प्रॉब्लम है ज्यादातर प्रैक्टिकली, तो शायद मेजोरिटी केसेस में लेसी को रेट पता चल ही जाता है, तो देयरफॉर लेसी भी कौन सा रेट यूज करेगा, इम्प्लिसिट रेट ही यूज करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि लेसी को ये रेट नहीं पता और आप क्वेश्चन लेसी का करें या लेसर का करें, अगर लेसर का क्वेश्चन करें और रेट गिवन नहीं है, इम्प्लिसिट रेट नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बात हो रही है लेसी की, लेसी को ये रेट नहीं पता but then lessee can use its incremental borrowing rate, is about underline karo. lessee se ye required nahi hai ke rate calculate kare, lessee lesser se hi pooch ke implicit rate use kar le. ha agar nahi pata usse implicit rate ka to fir kya kare, incremental borrowing rate use kar le. अब इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट्स का मीनिंग सर ये है, लीज एग्रीमेंट जरा ज़हन में लाना। लीज एग्रीमेंट में लेसी लेसर से क्या लेता है? एसेट लेता ना। क्या लेसी ये भी कर सकता था कि जितने का एसेट है वो लीज पे लेसर से लेने की बजाय बैंक से उतने पैसे उधार ले लेता, बैंक से पैसे उतने बोरो कर लेता, पैसे बोरो करता तो एंट्री क्या करता? कैश डेबिट लोन नहीं, लीज तो खत्म हो गया। लीज की बजाय क्या कर लेता? एसेट लीज पे लेने की बजाय, फॉर एग्जांपल जो एसेट उसने लीज पर लिया 50 लाख का था, तो एक तो ये है कि लेसर पहले खरीदे, फिर लेसी वो एसेट ले ले, बाद में इंस्टॉलमेंट पैसे दे। लेसी ये भी तो कर सकता था 50 लाख बैंक से उधार ले लेता, कैश डेबिट लोन क्रेडिट कर लेता, फिर एसेट खुद ही खरीद लेता, क्या एंट्री करता? अब क्या उस लोन पे फिर इंटरेस्ट देता? तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट रेट बनता है वो बोरिंग होती है, तो बोरिंग लोन लेगा, बोरिंग करेगा, उस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिर बोरिंग रेट कहलाता है। मतलब शायद सिंपली ये बात इस तरह से हो रही है कि
लेसी बैंक वालों को फोन करे और कहे कि मैं आपसे 50 लाख का लोन लेने लगा, मैं लोन लेना चाहता हूं, आप बताएं इंटरेस्ट में से कितना चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट हम आपसे 9% चार्ज करेंगे, तो बस आप फोन रख दें। फोन रखने का मतलब क्या है, आपने जैसे डीज करवा लिया लेकिन आपको उस 50 लाख पे बैंक का रेट चाहिए था इंटरेस्ट का, तो जैसे ही आपको पता चला तो आपका काम खत्म हो गया, अल्लाह हाफिज कह के फोन रख दे। अब 9% का क्या करें, एज एल सी अपनी कैलकुलेशन में यूज कर रहे, बैठे पड़ेगा। मतलब अज्यूम करें कि लेसी ने क्या लेने की बजाय क्या लिया है, एसेट लीज पे लेने की बजाय उतने पैसे अगर उधार ले लिए। असल में एक और चीज भी है प्रैक्टिकली, जो है ना हर लेसी कोई डिफरेंटली कंपनीज अगर है वो तो अकाउंटेंट्स भी अफोर्ड कर सकती हैं और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस कर भी सकती हैं, लेकिन बहुत से लेसीज ऐसे भी होंगे जो नॉन अकाउंटेंट्स हैं, आम पब्लिक भी हो सकती है लेसी। बैंक्स नॉर्मली जब आपको एसेट लीज करवाए ना तो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बताने के बजाय बस रेंटली बता देते हैं, बल्कि से थोड़ा सा अगर और प्रैक्टिकली आपको आइडिया हो कि किस्तों पर अगर आपको चीज़ खरीदते हैं तो सिर्फ आपको इंस्टॉलमेंट पता होती है कि आपने कितने कितने पैसे मंथली देने या क्वार्टरली देने। कोई अब आम मंदा जो है उस केस में तो रेट से ना इंटरेस्टेड होगा और शायद ना ही उसे रेट कितनी समझ आएगी। तो लेसीज की आसानी के लिए बस क्या है कि लेसी अगर इम्प्लिसिट रेट पता है तो यूज कर ले, और अगर नहीं पता तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इस्तेमाल कर ले। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट डेफिनेटली क्वेश्चन में गिवन होगा, मीनिंग उसका सिंपली क्या है कि जितने पैसों का एसेट है अगर उतने पैसे उधार पे लिए जाते हैं तो किस रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता। अब आखिरी सवाल ये आ जाएगा, अगर ये दोनों ही दोनों गिवन हो क्वेश्चन में, पॉइंट टू और थ्री जरा इकट्ठा करें, अगर इम्प्लिसिट रेट भी लेसी का पता है और बोरिंग रेट भी आपको गिवन है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, तो फिर प्रेफर किसे करेंगे ये पढ़ के बता देना। ये दोनों जरा देख लो, पॉइंट टू और थ्री, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं नहीं लोअर ऑफ कोर्स नहीं, नहीं अगर कौन कौन सा रेट पता, मतलब सेकंडली हमने क्या कहा कि लेसी इम्प्लिसिट रेट यूज करेगा अगर उसे पता तो, और अगर नहीं पता है तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करेगा। तो इट मींस अगर दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है तो प्रेफरेंस आप इम्प्लिसिट रेट को देंगे, ठीक है? लेकिन अगर बताया हुआ इम्प्लिसिट रेट नॉट नोन टू लेसी तो देन फिर आप क्या करेंगे, फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ढूंढना, ठीक है? लेकिन ये किसके लिए बात हुई है सारी, पहला पॉइंट पढ़ने का, दोबारा रेट निकालना किसकी जिम्मेदारी है, और अगर रेट नहीं है तो कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट होगा, लेसर कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेगा, अगर सिंपल लेसर है फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट, और अगर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है, लेसी के लिए पहली चॉइस क्या है कि इम्प्लिसिट रेट अगर उसे पता है तो यूज कर ले, और अगर इम्प्लिसिट रेट नहीं पता तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ढूंढ ले। बाकी बातें वही हैं जो कल तक हुई हैं, ये रेट्स की जरा डिस्कशन पर आ जाए, जरा क्वेश्चन करा जरा पेज नंबर 330 का। ये जरा तैयार को देखना, तैयार है नहीं, मार्केट रेट नहीं, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एग्जामिनर बड़ी यूज करेगा सर, मार्केट रेट दोनों ही है सर, इम्प्लिसिट रेट भी और ये उधर देखो, एक बोथ आर गिवन देन यूज मार्केट रेट, नहीं वो तो अब सम डीलर लेसर पड़ेगा पॉइंट सम टाइम, सर को खुदा का नाम है, चौथा पॉइंट किसने पढ़ा है सर, अभी तीसरे तक पढ़ के सर यहाँ आ गए सर, खुदा का नाम है सर, क्या हो क्या चौथा पॉइंट भी है आ गए हैं सर, पहले यहाँ तक जो पढ़ा है सर इसको फाइनल कर, पेज नंबर क्या है सर 330 है। असल में इन रेट्स में काफी सारे रेट्स हैं तो इनकी जरा अलग अलग से डिस्कशन रखते हैं। लासानी लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन नंबर 1
Laslani Limited leased an asset from Khan Limited on 1st January 2019. Following are the terms of lease agreement. Fair value. इसे कहते हैं मार्केट वैल्यू. ठीक है, बट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय खान लिमिटेड सर कौन है? ऊपर लिख लेना लेसी लेसर कौन है? लासानी लिमिटेड लीज्ड एन एसेट फ्रॉम तो लेसर लेसी. इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पेड बाय लेसर 1 lakh. Dismantling cost at the end of the lease term 1 lakh. Further information, lessee reimbursed 60% of the IDC to lesser. क्या मतलब लग रहा है? लाख रुपए का खर्चा पहले लेसर नहीं कर दिए? लाख में से 60,000 इसने किसको दे दिए? तो क्या लेसी की कोई आईडीसी बन गई है? अब लग शायद कोई कंबाइन एक्सपेंस किया दोनों ने, लेकिन फिर कितना किसका हो गया और फाइनली कितना किसका हो गया? 60% मीन 60,000 शायद लेसी का हो गया और 40,000 शायद लेसर का हो गया. लाख का टोटल खर्चा. अब 60% का ट्रीटमेंट कौन करेगा और 40% का सोचने से पड़ा. ठीक है, पॉइंट नंबर टू, रेजिडुअल वैल्यू इज ग्रांटेड बाय लेसी एंड अनग्रांटेड रेजिडुअल वैल्यूज वाज 20,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली. इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लासानी लिमिटेड मींस लेसी वाज 10%. खान लिमिटेड डिजायर्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. अब इस तरह के वर्ड्स एग्जामिनर यूज कर देता. खान लिमिटेड कौन है सर? ये इसके ऊपर लिखना इंप्लिसिट रेट है, डिजायर्ड रेट. एक कैलकुलेशन मैंने कही थी शेयर कर ली रेट की. खान लिमिटेड डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाज 15%. ब्रैकेट पड़े नॉन टू लेसी. लेसर की अगर वर्किंग कर रहे होंगे तो आप कौन सा रेट लेंगे? 15%. और अगर लेसी की वर्किंग कर रहे होंगे तो तब भी 15 ही लेंगे. 10 अभी रेलिवेंट हो गया नॉन टू लेसी. कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ लासानी वॉज 10%. अब ये भी रेट्स होते हैं इंटरेस्ट रेट्स इनके, लेकिन ये जो अब क्वेश्चन है इसकी वजह ये है कि ये किस वक्त कौन कौन सा रेट यूज करना है. तो ये जरा 5 के साथ जरा ब्रैकेट पड़ रहा. ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला रेट है, अगर कभी एग्जामिनर इसका यूज करे तो आपने इसे डिसमेंटलिंग की कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू के लिए इस्तेमाल करना. तो अब इसकी क्या रीजन है? रीजन की शायद जरूरत नहीं है, ये जहन में रखने की जरूरत होगी बस. पॉइंट नंबर 3 और 4 बार फाइनल है. लेसी कौन सा रेट यूज करेगा अपनी लीज की वर्किंग में? 15 क्यों करेगा? लेसर ने तो करना ही 15 हमेशा अपना इम्प्लिसिट रेट. लेकिन जो ऊपर डिसमेंडिंग आई थी इसके लिए अगर कभी अलहदा कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड हो तो उसने उसकी बेस पे किसकी वर्किंग करनी है आपने? मतलब डिसमेंडिंग की प्रेजेंट वैल्यू होती है फिर उसकी फाइनेंस कॉस्ट आती है. तो ये लीज सिर्फ उसके एंगल से. देन अगर लीज टर्म इज 5 years and rentals are payable annually in arrears. Prepare journal entries at the date of lease in the books of Lasani. Let's see. And relevant excerpts of financial statements. Of financial statements likha hua hai. Relevant extracts of financial statement. Ek hota hai statement of financial position. Statement of comprehensive income. Lekin financial statements agar word hai to bracket padega. इसमें डेफिनेटली फिर कैश फ्लो चेंजेस इनिक्विटी भी आ जाएगी. लेकिन कम से कम 3 चीजें कौन सी? जो भाई साहब अगर दोनों मिसिंग होंगे तो लेसी की वर्किंग नहीं हो सकती. अगर इम्प्लिसिट रेट मिसिंग है लेसर तो कैलकुलेट करेगा, लेकिन लेसी के लिए या तो आपको इम्प्लिसिट रेट गिवन होगा और या फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट गिवन होगा, क्योंकि लेसी से ये रिक्वायर्ड ही नहीं है तो वो रेट कैलकुलेट करेगा. लेसर का अगर इम्प्लिसिट रेट नहीं है तो वो फिर कैलकुलेट होगा जो हमने फॉर्मूलाज कल पढ़े थे. ये सर लेसी की बुक्स में एंट्रीज करनी है, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं,
31 दिसंबर 2019 है, करें जरा गेम ऑन। जनरल एंट्री अब मांगी उसने भी, मतलब स्पेसिफिक कौन सा मांगी सर? नहीं एट द डेट ऑफ रिलीज चेक कर, एक्सट्रैक्ट्स मांगे 19 को, रिक्वायरमेंट पड़ेगी सारी जनरल एंट्रीज। अब शायद हमें करनी पड़े कोई कहना तो इशू है, लेकिन सब मांगी गए हैं जनरल एंट्री एट द डेट ऑफ रिलीज। जी सर लेसी लेस सर, शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट लीज? शॉर्ट टर्म लीज क्यों नहीं? और लो वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या करेंगे पहला काम? डेट का 1st जनवरी 2019 स्पीड अप होने का टाइम है, एक काम और हो सकता है ये पहली एंट्री बोलो। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, एसेट का नाम है राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। किस अमाउंट से? साथ साथ चले गेम सीरीज है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की वर्किंग शुरू करवाए, जी सर रेंटल्स ही नहीं है शायद, वैसे ये पता है कम से कम के रेंटल्स होंगे कैसे, कितने रेंटल्स हैं एनुअली, एरियाज हैं कितने होंगे भाई? कोई एडवांस पेमेंट का जिक्र तो नहीं? हाँ कुछ जीआरवी यूआरवीज हैं आईडीसीज हैं। पेज छोड़े सर, एक पेज छोड़ दो, ये एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने दो छोड़ दो, वर्किंग्स का क्या निकालने के लिए कहां जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ रेंटल्स, जी सर कैलकुलेशन ऑफ रेंटल्स फॉर्मूला है सर, कैलकुलेशन ऑफ रेंटल्स क्या फॉर्मूला? फेयर वैल्यू मैन्युफैक्चर लेसर लग रहा है या सिंपल को लेसर लग रहा है, उससे कि उसका कैसे पता चलेगा? कुछ सेल की इंफॉर्मेशन, कुछ सेल प्राइस खरीदता है बेचता है लीज पे देता है, कुछ तरह की इंफॉर्मेशन होगी क्या? खाना पढ़े जरा डाटा, वो खरीद के बेचता भी है और लीज पे भी देता है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है वरना हो सकती है। क्या फर्क है डीलर मैन्युफैक्चर लेसर और सिंपल लेसर? इसका एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सेल कॉस्ट ऑफ सेल वाली स्टोरी होगी, चीजें बेचता भी है बनाता भी है सॉर्ट ऑफ बना के बेचता है या खरीद के बेचता है, तो देयरफॉर फार्मूला फाइनल करें। प्लस आईडीसी इज इक्वल टू सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआरवी। अच्छा ये जब रेंटल की कैलकुलेशन है ना, ये भी फुल कंसंट्रेट करें, ये भी लेसर के एंगल से ही कैलकुलेट होगा, लेसर ही कैलकुलेट करके किसको बताएगा? ये फार्मूला उसी के एंगल से, किसके एंगल से? यकीनन हम नहीं, ये किसके एंगल से फार्मूला, हम अकाउंटिंग इसकी कर रहे हैं, लेकिन लेसी को रेंटल बताएगा कौन? उसी के से रिलेटेड फार्मूला है। तो अभी सारा फोकस आपका लेसर की कैलकुलेशन की तरफ हो गया,
ये ढूंढे नहीं, फिर करवा दे, पहले क्वेश्चन पूरी बनवा दे, इसमें है एक दो मसले हैं, जरा सही इतना फाइनल कर। आईडीसी बताएं सर, 40 कहां से आ गया ये यार, 1,60% या 40%? 60% किसका हो गया? एनी डाउन पेमेंट? एक्स नहीं, डाउन पेमेंट तो है नहीं, एक्स सब किसको रखा हमने, डाउन पेमेंट रेंटल एरियज में है, 5 है, 1 माइनस 1 प्लस 0.15, कौन सा ढूंढा? और इसके इस केस में इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट की स्टोरी नहीं है, माइनस 5 क्यों? 5 एनुअल रेंटल है, गेम अभी ऑन है, कंसंट्रेट कर देना फुल, पॉइंट नंबर 2 पे है। जी जी बिल्कुल ठीक है, क्या लेसर के लिए जीआरवी लेसी वाली भी रेलिवेंट होगी? कितनी? 20,000। ठहर जाए 20,000 × 1 point, residual values कोई भी at the end of the least term applicable होंगी, -5। यहाँ तक अभी जब मैंने working की है, यहाँ तक मेरी working present value lease payments की है, क्या present value lease payments में GRVs होती हैं? लेकिन क्या URV भी है? जी lease payments के अंदर तो GRV आएगी, अब मैंने bracket close कर दी है, यहाँ तक present value lease payments आ जाएंगी, लेकिन क्या URV भी है? URV का तो मतलब होता है पैसे मिलने नहीं है, असल में शायद टोटल रेजिडुअल वैल्यू, जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ा, टोटल रेजिडुअल वैल्यू 50 है, जिसमें से 20 रेंटी है और बाकी 30 किसे उम्मीद है लेकिन किससे कोई एश्योरेंस नहीं है, लेसर को उम्मीद है मिलेगा लेकिन एश्योरेंस उसकी नहीं, तो उसका फिर अलग तक कितना 30 × 1 प्लस 0.15। बारह रेजिडुअल वैल्यूज कोई भी हो, परचेज ऑप्शंस हो, रेजिडुअल वैल्यूज हो, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एप्लीकेबल हो। एनी कंफ्यूजन? फाइनल एक आखिरी चीज बार बार सुन लो, अब डेफिनेटली मैंने फिगर्स आपके सामने अलग अलग जरा प्लस करके इसलिए दिखाई है ताकि आपको जरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स और यूआरबी का अलग अलग आइडिया हो जाए, वरना ये जो 20,000 है और ये जो 30,000 है, क्योंकि एंड ऑफ द लीज टर्म पे एप्लीकेबल है, तो शायद आप इकट्ठा प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन प्लीज लीजिएगा नहीं, सॉल्व करें और एक्स बताएं। ये करते शेयर करें, जी मिस्टर बैथ, बैथ कौन सा रहा? 6-4 राउंड ऑफ कर रही है, ये तो कोई तरीका ना होगा, अपनी बारी है, ये तो बड़े आराम से राउंड ऑफ कर रहे हैं। 1,90,963 आ रहा है, और आ रहा है 0,6 आ पर एनम, पर एनम है, एरियज में है, एडवांस में है, ठीक हो गया सर? एनी कंफ्यूजन? तो इस इक्वेशन में जो भी बेटा मिसिंग फिगर हो, अगर डेफिनेटली एक भी रह जाए मिसिंग, तो वो मिसिंग फिगर प्लीज सॉल्व कर लेंगे सर, थोड़ी देर हिम्मत कर ले, मुका लेंगे यार, अच्छा सवाल जरा बनता शायद, और क्या करेंगे अभी सिलेंडर की, कहां जरूरत पड़ी थी सिलेंडर की? आए लस्सी की तरह, सर लेसर का मालूम नहीं किया, लेसर का रेंटल कैलकुलेटेड लेसी पे करेगा, अभी देखिएगा क्या होता है सर, चांस है। ये एक्स आया ना सर, में आप इस एक्स को कंफ्यूज ना करें उसके साथ, 30,000 20,000 के साथ, नहीं सारा नहीं देना ना, एक्स देना उसको ना, आगे आराम से देख लो सही, एक्स के साथ 20,000 लेसी नहीं देना, बाकी 30 उससे मार्केट से मिलना,
उसने बस ये एक्स देना है, और क्या उसने इस एक्स के साथ कुछ और भी देना है? अब आ जाए लेसी की तरफ। ये सारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करनी है। अब किसकी करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स? लेसी हिम्मत 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 कैसे करवाएंगे? 190964 1 माइनस रेट बताया। कौन सा यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नोन है, माइनस फाइव है, बस है, नो सर। हिम्मत वाले, हिम्मत वाले पॉइंट नंबर टू पे है। क्या 30,000 लेसी के लिए रेलिवेंट नहीं है? 30,000 रेलिवेंट नहीं है, लेकिन 20,000 भी रेलिवेंट नहीं है। 20,000 तो कंसिडर करें। पहले हजम कर ले, हजम कर ले, क्या हो रहा है? उधर 20 भी है, उधर 30 भी है, इधर सिर्फ 20 क्यों है? लेसी सिर्फ उसी 20 में इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्लियर? जी आंसर बताना। सिक्स फाइव डबल जीरो एट सिक्स फाइव डबल जीरो एट डन है प्लीज, डन है सर। अभी डेट ऑफ लीज पे सिर्फ यही एक डेटा एंट्री नहीं होनी चाहिए। अब गेम ऑन कर दीजिए। हिमा सर, राइट ऑफ यूज ऐसे डेबिट कैश डेबिट रीइंबर्स कर दिए शायद, कितना? कभी 40 कभी 60, सिंपली कंसिडर्ड। जी एनीथिंग एल्स? डबल एंट्री राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, मान ली लीज लायबिलिटी क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डिस्पेंसिंग क्रेडिट। व्हाट इज टोटल अमाउंट? 100,000। 1 + 0.15। अच्छा, ये चीज एक दो चीजें बड़ा ध्यान में रखेंगे। 0.1 माइनस 5 62,092 इन थाउजेंड। उबैर साहब कह रहे हैं 543394 आ रहा है। उबैर साहब जाने दे गुस्सा, मेरी तरफ से कैलकुलेटर के दो तीन लगाए, जीरो करके आंसर दोबारा वर्किंग करें। जी एनी अदर एंट्री ऑन द इनिशियल डेट? वेल बेटा दोबारा कर ले यार, ना करे सर। 190964 माइनस 5 है, जरा दोबारा रीचेक कर ले। हमायूं ने बताया, सही बताया होगा ये। सर 0.1 भी पढ़ना यार, नीचे टेबल को क्या हो गया? 60% रिइंबर्स कर रहा है यार, क्या हो गया? लेसी तो बाकी 60,000 रुपये उसे वापस मिल गया, तो उसका 40 नहीं रह गया। आपने पूरा लाख पे किया, मैंने 60,000 दे दिया, आपका कितना रह गया? जाने दें यार, मेरा कितना हो गया? जी एनी अदर थिंग सर? हाँ जी, प्लीज इंसेंटिव की एंट्री बना जाएगा। कैश डेबिट राइट ऑफ यूजर्स क्रेडिट वो कल आया था, अभी फिर आने लगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप करके मुकाबला था। जी भाई, अकॉर्डिंग टू कस्टम मेरा ख्याल है एंट्रीज कहेंगे सर, अपने रिक्वायरमेंट शायद बस यही एंट्रीज रिक्वायर्ड है, लेकिन हमें एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, तो मेरा ख्याल है वर्किंग्स में है। और मैं इसलिए यहाँ नहीं कर रहा, रिक्वायर्ड ही नहीं है, बाकी तरफ वर्किंग्स में है। बाकी भी एंट्रीज हमें साल की कंप्लीट क्यों कर लेनी चाहिए? एक्सट्रैक्ट्स बनाने में हेल्प हो जाएगी, जल्दी से हो जाएगा।
नेक्स्ट रेट बोलो। काफी कुछ है लेकिन आपको पता है, काफी कुछ है। डेट बोलो। 31 दिसंबर 19। रोकने की वजह नंबर वन, चले डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये रेंटल की पेमेंट भी है, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी है, डेप्रिसिएशन भी है। ये डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें, फिगर्स कट्टी करें। 650084 प्लस 60,000 प्लस 62092, यहां तक क्या आएगा, कितनी फिगर आ जाएगी यहां पर? 176। नहीं सर, इसमें से ग्रेजुअल वैल्यू लेस होनी है सर, हिम्मत माने सर सही। और अपनी वर्किंग देखें पहली बार, क्या कोई लेसी के एंगल से ग्रेजुअल वैल्यू भी एप्लीकेबल है? ये तो कॉस्ट सही है ना, अभी कितनी अभी तक आंसर बताइए। 772 176। एनी ग्रेजुअल वैल्यू एप्लीकेबल, कौन सी वाली? 50 50 से 20 लेसी के लिए 20 ही रेलिवेंट होगा। लेसी के लिए 50 20 या 30? 20, वो तो ये एक्सपेक्ट कर रहे ना, 20 होगी। सॉरी माइनस हो, पर लिख रहा कौन सी रेजिडुअल वैल्यू जो लेसी को एक्सपेक्टेड है। ऐसे ही सर, देन डिवाइडेड बाय अब 5 के यूजफुल लाइफ, मेरा हाल पता नहीं है, अदरवाइज अगर पता हो तो शायद शॉर्टर, द ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर। 1504 3 5 जी। नेक्स्ट अनवाइंडिंग करवा सर, टेक इट एज रवीन सर, इस तरह की चीजें मुझे पिछली चीजें आ रही है। अनवाइंडिंग एंट्री बताओ, फाइनेंस कॉस्ट सर, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। कैसे वर्किंग करते हैं फाइनल बताइएगा। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू में आके चल रहा है। 62092 इंटू 10% होगा जिससे आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। 6209। डेफिनेटली ऑल्टरनेट वेज पॉसिबल है अनवाइंडिंग निकालने के, क्लोजिंग निकालने फिर कंपेयर करना, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू को शायद आगे ले जाए। 31 दिसंबर 19, अब क्या रहेगा? नहीं रेंटल ना, पूरा मतलब रेंटल की पेमेंट एरियाज में है, साल के एंड पे रेंटल इंटरेस्ट होगा इसमें बस स्टेबल। लेकिन अब उतना बनाए पड़े रिक्वायरमेंट, उतना का बनवाएं जितना की जरूरत है, कल होगी बात। मेरा ख्याल है कि एक और बस काफी है, करंट पोर्शन निकालना। रेंटल्स को तो वैसे ही इकट्ठा कर जमा कर लेंगे। डेट अभी वर्किंग्स में ही है, रेंटल्स प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट बता दो। 650084 31st December 19।
190 96 कर दे कंप्लीट कर दे। जी रेट कौन सा लगा रहे हैं जिससे प्रेजेंट वैल्यू लिए बताइएगा। 9 7 5 1 3 9 3 4 5 1 double 5 6 6 double 3 8 3 4 9 5 107 4 6 9 double 4 9 1 6 4। अच्छा इसमें कर लें सिर्फ अगर यहां तक कर लिए सिर्फ रेंटल्स पूरे करवाते हैं पूरे कर लें जरा मतलब पहले रेंटल से कॉलम में कौन कौन सी अमाउंट आएगी लिख के जरा लिख के कर लें। हाँ जी आखिर में एक डिसीजन ले लें जरा जी प्लस हाँ जी बस 20 है ना जो लेसी ने यूज किए ये जो लेसर वाला डिस्प्लेयर होता है ना रिकंसिलिएशन वाला आ जाएगा जेन में उसमें तो हमें इंटरेस्ट की भी जरूरत पड़ती है फ्यूचर के फाइनेंस इनकम अदरवाइज लेसी में शायद हमें रेंटल्स की भी जरूरत होती है वो मैच्योरिटी एनालिसिस में ये करंट पोर्शन बन जाएगा जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट करेंगे एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे ये नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी और अगले इंटरेस्ट की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है वैसे एक चीज आपको पता चले एक और वैसे इंटरेस्ट का भी तरीका हो सकता है आपको ये पता प्रिंसिपल के कॉलम का सम कितना आना सोचो एक मिनट पता होना चाहिए ये जो बैलेंस हमारा ऊपर 650084 इसमें इंटरेस्ट है सॉरी इसमें इंटरेस्ट है सर ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है तो इसी के नीचे आना रेंटल्स में इंटरेस्ट है तो रेंटल्स का सम करेंगे मिनट जरा सारे सारे रेंटल्स का सम करें 9 7 4 8 2 0। अब ये किस चीज का सम है ऑल अमाउंट्स ऑफ लेसर लेसी अब इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दो ना इसमें प्रिंसिपल कितना कर कंप्लीट करके जरा जल्दी से फाइनल करें जरा ये सारा टेबल कंप्लीट करें चेक करें जरा सही है हमारी अजम्पशन ये बैलेंसिंग पे क्या इंटरेस्ट होगा टेबल जल्दी से जल्दी से अब स्टैंडर्ड्स आ गए हमारे दो तीन दिन बाद फिर जरा जरूरत पड़ेगी मेरा ख्याल फिर आप करवा गए तो कुछ कर ही लें साथ तैयार रखिएगा सर वही वाला सर जब मैं कहूंगा वही 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 और वही वाला पांच ही तो है छह ले आइएगा
फुला दे फुला दे, मायूसी फुल फुला दे, मोबाइल घर रखाइएगा ना, फिर कैसे घर से बाहर निकलेंगे, कोशिश करके देख। ये थर्ड डेंटल का ब्रेकअप बताइए, ये मादा आप ही बता दो, कर ले कंप्लीट कर। एक ही हाथ चलते हैं मोबाइल पे और एक ही हाथ चल रहे हैं कैलकुलेटर पे, जीरो नहीं मिल रहा, हाथ यही है गेम ऑन। लिखवाई का फिगर एक हाथ लिखवा दे जी, सिक्स सेवन प्रिंसिपल ध्यान दे के सामने, अच्छा 4 8 2 7 5 2 7 प्रिंसिपल लिखो, 1 2 3 1 2 3 5 8 9 142 183 447 क्लोजिंग रिमेनिंग 3 2 5 5 7 5 183 4 7 आखिरी कर दिए जीरो, वजह क्योंकि हो गया ये इंटरेस्ट का टोटल सर 736। अच्छा ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे इस वक्त की है, वैसे तो ठीक है रिकंसाइल्ड है, उधर से भी हो जाता मेन से फॉर एग्जांपल, अगर उधर रिकंसिलिएशन में भी लेसर की रिकंसिलिएशन में भी हमें डिस्प्लेयर बनाना होता तो हम इन तीनों के सम तक पहुंच सकते थे विदाउट कैलकुलेटिंग दीज फिगर्स, कैसे? अगर आपको ये पता है तो ये तो आप बैलेंसिंग निकाल लेंगे ना, नहीं मतलब आप यकीन आ गया नहीं, बैलेंसिंग वही आएगा, तो अगर इसमें से ये ऊपर वाले जो दो सॉल्व हुए हैं वो माइनस कर दें तो नेक्स्ट का भी सम आ सकता है। तो अभी अगले दिनों में जब क्वेश्चन होंगे तो कहीं फिर इस तरह भी अभी आना लेसर ने, तो जब नेक्स्ट रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो फिर शायद बस एक स्टेप आगे जाएं ताकि अगर करंट पोर्शन और नॉन करंट मिल जाए तो बैलेंसिंग फिगर ऐसे भी कैलकुलेट हो सकती हैं, शायद टाइम सेविंग है। यहाँ समझ आ गया क्या कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने? टोटल अगर पता है और पहले दो रेंटल्स के इंटरेस्ट को माइनस कर लें तो रिमेनिंग थ्री का, और अगर फॉर एग्जांपल तीन कैलकुलेट हुए तो रिमेनिंग दो का आ सकते हैं। बहरहाल ये लेसी में इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए जी वाइंड अप करें। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस टेबल, क्या करने लगे थे, क्या करने लगे थे, क्या करने लगे थे? करवाएं जी रेंटल की पेमेंट, लीज लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, हाँ जी कैश क्रेडिट है, एरियज में पेमेंट हो रही है। रेंटल की अमाउंट है 1906 94 964, डिफरेंस 93 451 एंड इंटरेस्ट 97 513। एक्सट्रैक्ट्स बनाए स्टेटमेंट ऑफ
financial position as on 31st December. कंपैरेटिव तो नहीं है इसमें? अच्छा, अगर कंपैरेटिव बनाना तो डाटा देखना, नहीं बन तो जाएगा, डैश लग जाएगा यार। नहीं, फर्स्ट ईयर अगर हो ना फिर तो ठीक है, लेकिन मतलब लीज का पिछले हंड है, अगर फर्स्ट ईयर लीज है तो बन जाएगा डैश के साथ। नहीं, अगर एग्जामिनर यहाँ लिख दे कंपैरेटिव तो आप लिख पर डैश लगे, मतलब ये ना कि नहीं बन सकता जी। नॉन करंट एसेट्स में कुछ आना हो वाइंड अप करना सेफी कर बताए। राइट ऑफ यूज एसेट कितना, कैसे, जल्दी सॉल्व नहीं हुई फिगर्स। 772 ढूंढे कहीं, आपने टोटल कर लिया माइनस 150435। यही रेजिडुअल वैल्यू भी तो माइनस होनी है। What is the formula of carrying amount of asset? Cost minus accumulated depreciation. No residual value, please. Was it of depreciation? He working में. Answer बताइए. 7, 4. Non-current liabilities or current liabilities? जी नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ, हाँ जी, लीज लाइबिलिटी का करंट और नॉन करंट पोर्शन फाइनल करें। ठीक है, लिखे आप, एक मिनट लिख, मैं भी आता हूँ। ये नॉन करंट लाइबिलिटी है 449164, करंट लाइबिलिटी है, करंट पोर्शन, सॉरी बोल, करंट पोर्शन ऑफ लीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज है 147461। नेक्स्ट इंटरेस्ट भी तो है, और करंट नॉन करंट में डिवाइड हो जाएगा। जी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जरा सोच के बताएं, करंट में लिखो नॉन करंट, करंट पोर्शन बनेगा इसे इकट्ठा सेटल होना 5 साल बाद, तो अभी शायद 1 साल गुजरा है, कहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, कितने पे लिखेंगे? हाँ जी, उसकी दो एंट्री होगी ना, एक तो 620692 पे रिकॉर्ड किया था, प्लस 6209 मिल जाएगा, 6368। ये जो फिगर आप बता रहे हैं 68301, ये डायरेक्टली किसी तरीके से आ सकती है? कैसे कैसे? ये माइनस फोर करके आ जाएगी, जल्दी चेक करके माइंड अप करें। 1,00,000 × 1.1 माइनस फोर करें, ये क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा, आता है? फिर इसका उसमें डिफरेंस लेके भी किसी जमाने में बहस होती रही है कि फाइनेंस कॉस्ट आ सकती है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट, For the year ended 31st December 19, जी क्या क्या आएगा सोचो,
depreciation 150 435 finance cost 6209 और इंटरेस्ट एक्सपेंस इन लीज रेंटल। अब ये फाइनेंशियल चार्जेस की इकट्ठी हेडिंग भी आ सकती है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस और लीज रेंटल 97513। एनीथिंग एल्स? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 December 2019। एज ऑन सिर्फ स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन है, हेडिंग्स लिखते लिखते सोच लें लेसी है, नोट्स में क्या क्या बनाएंगे। स्केड्यूल तो होमवर्क में हमेशा बना लेते हैं, वैसे तो आप मैच्योरिटी एनालिसिस भी आप लोग जहन में ही बना लेते हैं, लेकिन उसे कम से कम पेज पे एक बार बना लो। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स, इस हफ्ते में कोशिश करूंगा कुछ ज्यादा तंग ना करूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कंसल्टेशन वगैरह के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको फिर टाइम दे दें, और उसमें प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो इशू नहीं, इंशाल्लाह वो रिजॉल्व कर लेंगे। पहले अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन में एक दो पॉइंट्स होंगे हो सकता है, तो कोशिश कर लेंगे अपनी तरफ वाइंड अप कर लें चीजें। जी सर, ऑनवर्ड्स बनता है सर, किस डेट पे खड़े हैं आप बना दें फाइनल करते हैं। One to two years. Three to four years ago. 190 964 आखिर वाले में 20,000 भी शामिल है तो 210964 78856 ये वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बस वो एक फिगर बीच में बता दो मुझे, फिर किसी ने भी डिस्कस करेंगे जाते हुआ दीजिएगा। वो प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है, वो एडवांस में रेंटल होने की वजह से उसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो गया हुआ, तो उसका बस सिंपली ब्रेकअप ही होना। तो रेंटल्स एडवांस में होने की वजह से असल में जो इंटरेस्ट होता है वो अर्न हो गया होता, भी रिसीव नहीं हुआ, तो उस वजह से आ गया था वो मैं बता दूंगा। ये नोट है सर प्लीज, लास्ट वन क्या रह गया, तो नेगेटिव पैराग्राफ भी लिखने की आपको शदीद आदत है, तो एक दफा वैसे लिख लिया ना, खुद भी है लिख लेंगे, काफी सारे इकट्ठे हुए हैं। पेज नंबर जंप लगाए, फोर डबल सेवन क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ना शुरू करूंगा। जी नोट कर लिया यहाँ तक सबने,
जॉनल स्टूडेंट्स नोट कर लिए, पेज नंबर 477, पेज 477, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए पढ़ रहे हैं आप। जी सर, ऑन 1st January 2020 डिटोल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम लाइफ बॉय लीजिंग फॉर 3 years. द फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ 35 million वाज पेड ऑन 1st January 2020 एंड ऑल सब्सिक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेबल ऑन 1st January सब्जेक्ट टू द इंक्रीज ऑफ. अच्छा, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो रेंटल्स अनइक्वल है क्या ये, बल्कि ऑपरेटिंग लीज नहीं शायद यहाँ कहना चाहिए. अगर लेसर है तो ऑपरेटिंग लीज, अगर अगर लेसी है तो शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू एसेट लीज, अनइक्वल रेंटल हो सकते हैं. अगर शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट लीज और लेसी है और रेंटल्स अनइक्वल होंगे तो क्या करेंगे, ट्रेड लाइन बेसिस पे इक्वल कर लेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है. और अगर लेसर और ऑपरेटिंग लीज है तो तब भी ट्रेड लाइन बेसिस पे इनकम रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन अगर लेसी है और नॉर्मल लीज है तो अनइक्वल रेंटर्स है, कोई इशू नहीं, अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे, डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला, एन्यूटी क्यों नहीं लगा सकेंगे शायद. और अगर लेसर है और फाइनेंस लीज है तब भी प्रेजेंट वैल्यू सारी बोलेंगे, लेकिन फिर एन्यूटी का फॉर्मूला शायद नहीं लग सकेगा. तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि अनइक्वल अगर रेंटल्स हैं तो या ऑपरेटिंग लीज उधर होगी और या शॉर्ट टर्म लीज या लो वैल्यू एसेट लीज होगी, लेकिन हो भी सकती है, वैसे जरूरी भी नहीं है. आगे चले जाओ, क्या वैसे मीनिंग क्या है, 35 मिलियन के है, फर्स्ट रेंटल है, लीज टर्म बता दी उसने कहीं 3 years है और एडवांस में है 1st January, तो अगला रेंटल 10% इंक्रीज के साथ है, तो वर्किंग कर देंगे 1.1 DL. ठीक है ठीक है. अच्छा, इसमें लेसी लेसर डिसाइड कर लें. हाँ जी, लेसी लेसर, तो DL इंकर्ड इनिशियल रेट कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन, लेसी की एडीसी एज एन इंसेंटिव टू डीएल फॉर एंटरिंग इनटू लीज, एलएलएल लेसर रीइंबर्स 2 मिलियन, ये क्या इंसेंटिव है, तो वापसी हुई है, क्या एंट्री करेंगे, कैश डेबिट राइट ऑफ यूज क्रेडिट इंसेंटिव है ये. एलएलएल हैज इनकॉर्पोरेटेड एन इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट ऑफ 11% पर एनम व्हिच इज Not known to DL lessee. Residual value of the machine at the end of lease term is estimated at 30 million, out of which DL has granted 20 million. DL is also obliged to incur decommissioning cost of 4 million at the end of the lease term. Decommissioning, dismantling, interchangeably words used are there. Discount rate of 12% may be assumed wherever required but not given. Required, करते हैं time, कर लेते हैं सॉल्व. Prepare relevant extracts from DL statement of profit loss for the year ended 31st December 2020 and statement of financial position as on that date. DL means lessees. अब सिर्फ extracts from statement of financial position and statement of profit and loss है, notes are not as such required. B requirement एक और, using the information given in the part A, prepare notes for inclusion in the financial statement of lesser. आज ये requirement issued करें.
मेरा ख्याल मिलता जुलता क्वेश्चन किया अभी। पहला पेज छोड़ दो मेरे ख्याल डिटेल में मेट्रिक्स में। एक पेज सफिशिएंट होगा मैं क्या करूंगा हाँ दोगे बस ठीक है। वर्किंग में क्या करें लेकिन स्पीड अप होगा पहली डेट बोले 1 जनवरी 2020 राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट जी कैसे प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट ठीक है इनिशियली वैसे ही डिजाइन में रखे अलग अलग डिजाइन में रखे प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट करवाए बच्चे पहला 35 बल्कि डिसीजन ले सॉरी हम पहले हमने ऐसी राइट ऑफ यूज लिखी ये कहीं शॉर्ट टर्म लीज तो नहीं और 3 साल की है शॉर्ट टर्म ही हुई लो वैल्यू एसेट लीज है इंफॉर्मेशन नहीं है 35 पहला एडवांस में ही है सॉर्ट ऑफ 1 जनवरी 2020 है अगला रेंटल होगा कितना 35 × 1.1 मतलब वर्किंग लिखना चाह रहा हूँ आप यकीन अगर सॉल्व करके लिखना चाहते तो लिखना 38.5 हो जाएगा ऐसे अब क्या करूँ इस 38.5 का प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं हम सीधी शायद प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जा रहा है इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करो ये पहला 35 क्यों नहीं कर रहा एडवांस में बाकी 35.5 के कितने रेंटल्स होंगे चार एक ही होगा अगला एक ही होगा फिर उसके बाद फिर फर्दर इंक्रीज आना है तो ये तो लेदा लेदा होगा फिर अब पता चल जाएगा एन्यूटी क्यों नहीं लग सकता रेंटल से इक्वल अमाउंट से इक्वल नहीं मोर देन वन अमाउंट है लेकिन अमाउंट्स आर नॉट इक्वल उसका कोई सोल्यूशन है डिस्काउंटिंग 1+ रेट ढूंढने से रेट 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 11% क्यों नहीं और यार इम्प्लिसिट रेट अगर अवेलेबल तो वो यूज करना है लेसी को लेकिन पता नहीं है देयरफॉर बाकी आखिरी लाइन पढ़ना वो कहता है जहां जहां गिवन नहीं है वहां वहां फिर कौन सा रेट ले लें अब अगर यहाँ 12% हम ले रहे हैं तो क्या समझ के शायद ले रहे हैं इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ लेसी क्या अगर नहीं पता तो फिर क्या यूज होगा ठीक है प्लीज 11 लो या 12 लो जब आप मुझे लेसर की वर्किंग इंशाल्लाह भी करवाएंगे तो फिर कौन सा रेट यूज करवाएंगे वो तो कहता है अगर अवेलेबल नहीं है तो वो 12 यूज करें अवेलेबल है लेसर का इम्प्लिसिट रेट ही यूज होना है नहीं होगा तो कैलकुलेट भी हो जाता है माइनस बता रहे वो दूसरे साल का दूसरे का ही है लेकिन दूसरे का शुरू में दूसरे का एडवांस में है इसकी इस तरह वर्किंग लिखने की बजाय इस तरह वर्किंग लिखा रेंटल की डेट्स बताएं जरा 1 जनवरी 2020 पे 35 है 1 जनवरी 2021 पे 35 × 1.1 है 10% इजाफे वाला ये वन और देयरफॉर ये 38.5 है और देन मल्टीप्लाइड बाय 1+0.12 − 1 है ये ठीक है फर्स्ट जनवरी 2022 है जी रेंटल बता दो पहले 38.5 × 1.1 42.35 × 1+0.12 − 2
सॉल्व कर लीजिएगा। ये 1.1 पता कहाँ से आ गया, कहाँ से 10% की। अच्छा रुक क्यों गया ये तीसरे के बाद, लीस्ट टर्म भी 3 साल। तो बैठ जाने दे यार, 42.35 की प्रेजेंट वैल्यू 46.585, ये वाली प्रेजेंट वैल्यू रहनी थी 103.14। आ गए यहां तक, यहां तक हो गया सर। लेकिन अभी रहता है कुछ, कुछ रहता है, रहता है, रहता है, रहता है। ये तो रेंटर्स की प्रेजेंट वैल्यू ही है, अभी लेसी की वर्किंग कर रहे हैं आप। गारंटी रेजिडुअल वैल्यू है भी कितनी, 30 30 20 20 इंटू 1+12 माइनस, सोच के हिम्मत हिम्मत, ये जो रेंटल रेजिडुअल वैल्यूज हो, जीआरवी यूआरवी परचेज ऑप्शन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म होती है -3। अभी मैं जरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, होपफुली आप सबको पता मैं क्या कर रहा हूँ। ये पहला टोटल 103.14 किस चीज का है, ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन फाइनली इसमें जीआरवी की प्लस कर रहा हूँ। इतनी लंबी वर्किंग क्यों नहीं कर रहे हैं, सिंपल हो जाती है यार, ये तो एन्यूटी लग जाता है। जी पहली एंट्री ठीक है जी सर, 117.38। नेक्स्ट वन सर, सेम डेट सेम डेट, अब क्या रह गया, नहीं रेंटर से पहले यार अभी आरडीसी रहती है, रीइंबर्समेंट रहती है, इंसेंटिव रहता है, पहले आरडीसी तो फाइनल करें, डीकमिशनिंग कॉस्ट रहती है, राइट ऑफ यूज डेबिट कैश क्रेडिट 5। कैश डेबिट राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट बाय 2। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल एंट्रीज ना रिक्वायर्ड हो तो ये भी ध्यान में रखना है, एग्जामिनर के लिए नहीं है, तो विदाउट वेस्टिंग एंड टू मच टाइम, मेन कैलकुलेशंस वगैरह बस टाइम है, बहुत ज्यादा कुछ सफाई सुथराई इतनी, लेकिन 12 जरूर होगा कोई नजर आ रहा किसी को। जी डिसमेंटलिंग भी है, डिसमेंटलिंग भी है सर, बोलना डिपेंडेंट प्रोविजन क्रेडिट कितने सर, हाँ जी करें वर्किंग 4 मिलियन नंबर का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला डिस्काउंटिंग ही लगेगा, माय रेट क्या लूं 0.11 -3 2.85 2.85 डाले सर। नेक्स्ट डेट सेम डेट क्यों, इसी डेट पे सब कुछ कर लेंगे जी, रेंटल पे हो रहा है, लीज लायबिलिटी डेबिट
इसमें इंटरेस्ट भी तो होगा यार, एडवांस में 35। नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर 2020। हिम्मत, इंटरेस्ट कर लेते हैं, बाकी चीजें पहले डेप्रिसिएशन करो। डीड अनवाइंडिंग होनी है, डेप्रिसिएशन होनी है और इंटरेस्ट का डिसीजन होना। डेप्रिसिएशन कैसे, किस पे? डबल 1 7.38 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 2.85 माइनस 2 सर 123.23। अभी थोड़ी देर पहले एक काम किया है, हाँ जी, माइनस कौन सी 20 डिवाइडेड बाय 3 34.54। और भाई जैसे बाकी हो चुके हैं, प्लस 5 माइनस 2 के बाद प्लस का साइन दोबारा देखा भाई ने, हिम्मत कर जा 34.41। एनीथिंग एल्स सर? अनवाइंडिंग एंट्री, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट बाय, हिम्मत करें, फाइनल कर दीजिए बैस अपने जन में 2.85 × 12%। पिछले में तो 10% था यार, वो पिछले में 12.342 3791। सेम डेट दोबारा लिख के ज़हन में करें वर्किंग, क्योंकि ना कुछ डिस्क्लोजर बनाना ना कुछ करना, ज़हन में बनाएंगे टेबल, बनाएंगे जरा ज़हन में, डेट बोले पहले, बल्कि सॉरी ये जरा नई चीज है मेरे ख्याल, वो इसमें अनइक्वल रेंटल्स भी जरा लिखने लिख लेते हैं, वैसे मेरे ख्याल इवन देन बना लें, लेकिन बहरहाल एक दफा जरूर सोच लेंगे, मुझे आपके वक्त दो टेबल इसलिए बना लें कि जरा अनइक्वल रेंटल्स कैसे आएंगे, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम सर। जी स्टार्टिंग पॉइंट होता है 117.38। सेम डेट पे 35 डैश, नहीं पहले 35 तो एडवांस में, अच्छा हाँ हो तो हो जाएगा वैसे तो, मतलब टेबल अगर सेम रखा था इधर से इधर माइनस में 82.38। नेक्स्ट डेट, टेबल में डेट ऑफ एग्रीमेंट के मुताबिक ही डेट्स लिखते हैं आप 38.5। एक सेकंड बोर्ड पर देखें, नेक्स्ट डेंटल की अमाउंट बताया 42.35 और 31 दिसंबर 2022 पे अमाउंट बताया 20। सिर्फ ये है कि अमाउंट्स अन इक्वल जरूर है, बाकी एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ द टेबल रिमेन सेम। एक करने में दिखा चला फिगर, बस मेरा लाइक बता दूँ। नेक्स्ट
जी 12% 9.89 28.61 53.77 वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा गुजारा यहां तक है, ये 28.61 करंट पोर्शन बन जाएगा, 53.77 नॉन करंट बन जाएगा, इस इंटरेस्ट का डिसाइड करना 9.89। जी बिल्कुल सही है मोहसिन जी, कंप्लीट करें टेबल, चलें करवा दें कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट फिर अमाउंट्स बताओ, 6.5 6.45 9 17.87 2.14 86 जी 9.89 की डबल एंट्री, फाइनेंस चार्ज इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। जब ये हमारे साल में पे ही नहीं हो रहा तो आप इसे एंट्री क्यों कर रहे हैं, तो फिर अगले के भी करें। और यार जब एग्रीमेंट कर लिया तो अगले से इंटरेस्ट देनी है यार, क्या हो गया। एक्सट्रैक्ट कंप्लीट कर लें जी, अब मेरे ख्याल दूसरा हिस्सा तो देखते हैं फिर ये होगा कैसे ना। आप लोग एक्सट्रैक्ट बना लें, मैं आपकी तरह बातों पे थोड़ा सा मुस्कुरा लेता हूँ। पेपर ठीक ठाक ही बर्डन होना सर, तो आगे कर लेंगे पेपर एक्सट्रैक्ट बनाए। जी कंबाइन करते हैं दोनों फाइनेंशियल चार्जेस का हिस्सा, राइट ऑफ यूज एसेट वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू थ्री पे इकट्ठा हुआ -34.41 8.83 ये देख लेंगे बेटा प्लीज 123.23
जी सर, करंट पोर्शन ऑफ लीज 28.61, 53.77, प्रोविजन वॉज रिकॉर्डेड बाय 2.85 प्लस 0.34, 3.19. इंटरेस्ट पेबल आएगा 3 पार्ट का कल सोचेंगे आप लोग, टेस्ट फाइनल कर लो, अगर किसी का हो, किसी ने टेस्ट दे दिया तो ये सारी नीज रिवाइज करें आप, अगर है टाइम, किसी ने अगर टेस्ट दे दिया हुआ तो आज अभी दूसरा टेस्ट आप जुम्मे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन रख सकते हैं, एक दो दिन जरा अगर आपने टेस्ट दे दिया तो ये नीज को फाइनल कर लो। नहीं बस वही ठीक है मरहला, अगर दोबारा देना होगा तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, अब नए क्वेश्चंस रहने दें, जो तीन पहले बताए वही दोबारा देखें, अब नए सवाल क्या देखें, बाकी तो एक आध पॉइंट तो नया आना ही है, उसको सोचे वहां बैठ कर। हाँ वो आपकी चॉइस है, अगर कोई और एक्स्ट्रा देखना है वो देखिए, कुछ और रिवाइज करने पुराने वो अपनी चॉइस से करना, बाकी कम्प्रिहेंसिव तो वही चीज है, लेकिन लीज को दे देगा, बाकी इसका बी पार्ट इंशाल्लाह फिर कल करते हैं। अल्लाह जी जी सारों के लिए दे सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड आप लाना चाहें साल दूर में नहीं बुक कभी ना देखें नहीं बुक अलाउ कर दो यार, कोई बुक अगर देखना चाहे पेपर के टेस्ट के दौरान बुक अलाउ कर दो, अपनी इस वक्त दूसरी स्टैंडर्ड तो भी मैंने दिखाना है, नहीं जो जो बंदा बैठ के देखना चाहे वो बुक अलाउ कर देते हैं। Hello.